हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम स्तूपा आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। स्तूपा आर्किटेक्चर बेसिकली इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर या बुद्धिज्म का हिस्सा है, जो कि कह सकते हो कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है यूपीएससी के लिए। और हर साल हम प्रीलिम्स में कम से कम एक क्वेश्चन तो इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम देखते ही हैं, या स्पेसिफिकली रिलीजन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और स्तूपा इस साल के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा को समझते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, स्तूपा क्या है? एक हेमिस्फेरिकल माउंड है, मतलब स्फेयर, जो अर्थ का शेप है स्फेयर, उसको आधा कर दीजिए तो वो उसका इन्वर्टेड शेप है, जिसको बोला जाता है अंडा। जैसा कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में एक पिक्चर है जो कि सांची स्तूप का लेआउट है। तो उसके हिसाब से क्या है अंडा? क्या है अंडा? जो एक स्तूप जो हमें हेमिस्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट दिखता है उसको अंडा बोलते हैं। उसके ऊपर एक हार्मिका है। हार्मिका क्या होता है? एक कास्केट, एक सिल्वर कास्केट है, उसके अंदर बुद्धा की अस्थियां या उसके बुद्धा के अलावा जो कुछ फेमस पर्सनालिटी, जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज रहे हैं, उनकी अस्थियां और कुछ रिलीजियस ऑब्जेक्ट को उस कास्केट में रखा जाता है। और उस कास्केट को रख करके उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्मिका बोलते हैं। और इस हार्मिका का मतलब क्या होता है कि मतलब ये भगवान का निवास स्थान है, मतलब दैट इज अबोड ऑफ गॉड, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। सो ये अस्थियां है बेसिकली। तो स्तूपा क्या दर्शाता है? स्तूपा बुद्धा के डेथ को दर्शाता है, मतलब उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। सो दैट इज हार्मिका, व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट। उसके अलावा हार्मिका के बिल्कुल बीचों बीच एक रॉड है जिसको बोला जाता है यष्टि, और उस यष्टि पे 3 लेयर्स ऑफ अम्ब्रेला है जिसको कहा जाता है छत्र। तो ये जो छत्र है ये एक तरीके से हार्मिका को छाया देती है, और ये जैसे मैंने बोला कि 3 लेयर्स हैं, तो ये 3 लेयर्स अलग अलग चीजों को दर्शाती है। जैसे पहला क्या है? पहला लेयर इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज वेनरेशन या वर्शिप, मतलब भक्ति, या थर्ड इज वॉट मैग्निमिटी, मैग्निमिटी मतलब फॉरगिवनेस। तो ये तीनों ही क्या है? एक तरीके से बुद्धा के सिद्धांत है या बुद्धा की टीचिंग्स है। तो ये इस छत्र का हिस्सा है। इसके अलावा इस स्तूप आर्किटेक्चर का जो स्ट्रक्चर है उसका और लेआउट कैसा है? पहले क्या होता था? पहले सिर्फ जो हार्मिका है और अंडा है ये होता था। इसके बाद जब आगे और जब इसके बनावट में कुछ बदलाव आए तो इसके साथ सर्कमएम्बुलेटरी पथ या प्रदक्षिणा पथ जोड़ा गया। प्रदक्षिणा पथ मतलब कि जहां पर जो वर्शिप, जो फॉलोअर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो क्या करते हैं? वो होमेश पे करने के लिए चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या बोला गया? प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा वेदिका, वेदिका इज वॉट? वेदिका इज द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा स्तूप बनाया गया है। आप देख सकते हो जैसे पिक्चर में वेदिका क्या है, जो बाउंड्री का जो रेलिंग वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेदिका, मतलब वो पूरा एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा है मेढ़ी, मेढ़ी जो कि पेडेस्ट्रियल पाथ है, मतलब जहां पे चल रहे हैं आप, मतलब जो भी श्रद्धालु है जो जिस जगह पे वो चलते हैं दैट इज कॉल्ड मेढ़ी, ठीक है। इसके अलावा तोरण, तोरण द्वार इसको बोलते हैं, तोरण का मतलब गेटवेज। तो यहाँ पे कितने 4 द्वार हैं, 4 तोरण द्वार हैं, ये चारों दिशाओं में बने हुए हैं, और ये अलग अलग जिसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? 2 वर्टिकल पिलर्स और 3 हॉरिजॉन्टल पिलर्स हैं। और ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पिलर्स है इसके ऊपर बुद्धा के जन्म से संबंधित मतलब जातक कथाओं से संबंधित कुछ जो फेमस कहानियां हैं उसके कुछ जो चित्र है वो इसमें अंकित किए गए हैं, मतलब कुछ पिक्चर्स बनाए गए हैं जिससे बुद्धा के बारे में चीजों को बताया जा सके, उनके जीवन के बारे में बताया जा सके। तो ये तोरण द्वार है जहां से आप एंट्री करते हो और हर एक दिशा में बना हुआ है। तो दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। अब देखो स्तूपा फिर है क्या? तो स्तूपा बेसिकली किससे बना? जैसे मैंने बताया था कि बुद्धा या जो फेमस रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं उनके अस्थियों से बनता है, और इस स्थान का जो इस्तेमाल है वो मेडिटेशन के लिए किया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो यहाँ पे बैठ करके मेडिटेट किया करते थे। इसका निर्माण कब शुरू हुआ? अशोका के समय काल में शुरू हुआ। कैसे? जब अशोका कलिंग वॉर होता है अशोका के समय काल में, तो बहुत ज्यादा उसमें ब्लडशेड होता है जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो फिर बुद्धिज्म को अपना लेता है। और फिर हम देखते हैं, पढ़ा भी होगा या हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे कि अशोका के समय काल में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है, और उसके बाद तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो स्तूपा इज वन ऑफ दैट। फिर स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया कि वो बुद्धा के रेलिक्स है, उनकी अस्थियों से मिलकर के बना, तो कुछ जगह, कुछ स्थान थे, 8 स्थान थे जहां पर उनके रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वहां पर स्तूपा बनाया जाता है। जैसे राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा,
रामग्राम, बाबा, खुशीनगर एंड पीपलवन। तो इन 8 स्थानों पर बेसिकली स्टार्टिंग में जब ये बनना शुरू होता है तब इन 8 जगहों पर इस स्तूपा का निर्माण शुरू होता है। अब देखो स्तूपा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो न्यूज में रहा दैट इज कॉल्ड चौखंडी स्तूप। तो चौखंडी स्तूप इसलिए न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका इसको प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। अब ये जितना भी जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है दैट कम्स अंडर दैट इज टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोला और इसका जो डिक्लेरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया है। तो इस क्योंकि 2019 का ये न्यूज है तो इट मीन्स ये आपके प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चौखंडी स्तूप बेसिकली है क्या, ये कहाँ पर है, ये सारनाथ में है और सारनाथ बुद्धिस्ट वन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट साइट्स है और इसलिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सारनाथ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलती है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चौखंडी स्तूप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका लेआउट है वो स्क्वायर शेप्ड है, मतलब 4 आर्म्ड प्लेन्स है, तो इसके लिए इसको चौखंडी बोला गया, मतलब चौखंड। कंस्ट्रक्शन इसका गुप्ता टाइम पीरियड में शुरू होता है 5th सेंचुरी AD, और गुप्ता का जो टाइम पीरियड था उसमें टेंपल कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े लेवल पर शुरू होता है, मतलब वो दैट वाज द स्टार्टिंग फेज व्हेन टेंपल कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस। सो ये जो चौखंडी स्तूप है ये था तो एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट या बुद्धिस्ट श्राइन, लेकिन जो इसका लेआउट था वो टेम्पल आर्किटेक्चर की तरह था। बाद में लेटर ऑन मेडिवल टाइम्स पीरियड में जब मुगल्स का टाइम होता है तो हुमायूं इस जगह पे विजिट करता है, और क्योंकि हुमायूं विजिट करता है तो इसलिए अकबर के टाइम पीरियड में अकबर ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया, और जो अभी जो हम ऑक्टोगोनल शेप का जो स्तूप देख रहे हैं जो कि पिक्चर में भी है दैट वाज गिवन बाय और दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। तो ये अकबर के टाइम पीरियड में इसका जो प्रॉपर लेआउट है स्तूप का वो अकबर के टाइम पीरियड में होता है। तो ये कहाँ पर है, ये सारनाथ में है, और सारनाथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट साइट्स है। अच्छा, सारनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट है बुद्धिस्ट साइट्स में क्योंकि सारनाथ वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे बुद्धा अपना सरमन देते हैं। तो बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट एट बोधगया और वहां से वो सारनाथ की तरफ निकलते हैं जहाँ उनकी मुलाकात होती है पंचवर्गीय भिक्षुओं से। पंचवर्गीय मतलब 5 भिक्षु होते हैं, और ये पंचवर्गीय भिक्षु इनका जब ये घर छोड़ते हैं जो महाभिनिश्रमण वाला जो इवेंट है, और तब ये इन 5 भिक्षुओं से मिलते हैं और ये सभी किसी न किसी खोज में निकले होते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और इसके लिए बहुत ही रिग्रस मेडिटेशन किया करते थे। लेकिन एक टाइम आता है जब बुद्धा बेहोश हो जाते हैं तब उनको एक राजगीर में ही एक मर्चेंट फैमिली होती है, उनकी बेटी होती है सुजाता, तो वो उनको समझाती है कि इफ यू वांट टू अटेन नॉलेज उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है, तो इसके लिए खाना पीना भी जरूरी है। तो यहाँ से ना इन पंचवर्गीय भिक्षु और बुद्धा इनकी आपस में कुछ जो विचारों का मतभेद होता है वो इनको वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। तो वहां से ये लोग सारनाथ आ गए और बुद्धा फिर बोधगया चले जाते हैं जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सारनाथ वो जगह था जहाँ पे फिर से इनका रीयूनियन होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सबसे पहला जो प्रवचन है, जो फर्स्ट सर्मन हम जिसको बोलते हैं, वो इन पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने बुद्धा देते हैं। इस पूरे इवेंट को या जो ये घटना है इसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन क्योंकि सारनाथ में हुआ था जो कि वाराणसी के पास है यूपी में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे जिस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे ये धर्मचक्र परिवर्तन का जो ये उपदेश हुआ था उसको बोलते हैं, वो उस जगह पे बना था धामेक स्तूप। तो धामेक स्तूप के नाम से वो फेमस है या प्रसिद्ध है। तो इस धामेक स्तूप की जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, वो 500 सेंचुरी में हुआ, या कृष्ण एरा आप बोल सकते हो, मतलब AD, और अशोका के टाइम पे भी इस पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया 500 सेंचुरी AD में। इसके अलावा सारनाथ में जो और जो साइट्स है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक बिहार है मालगंध कुटी। जो मालगंध मूलगंध कुटी बिहार, ये वो जगह थी, बिहार मतलब रेजिडेंसी, तो जहाँ पे भी बुद्धिस्ट मंक्स या जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो आराम करते थे, उनके रहने की जगह थी, उसको बोला जाता है विहार। तो ये मूलगंध कुटी विहार ये सारनाथ में है, और जब बुद्धा जब सरमन के लिए जब वहां पहुंचते तो ये इसी वाले विहार में ठहरते हैं। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ दी दैट इज आल्सो वन ऑफ दी फेमस साइट्स इन सारनाथ। इसके अलावा बोधी ट्री, सो बोधी ट्री का एक्चुअली ये एक ब्रांच है। सो महाबोधि ट्री दैट इज इन
बोध गया और इसी का एक ब्रांच है अनुराधापुर श्रीलंका में, और श्रीलंका से ही, क्योंकि श्रीलंका में अशोका ने थर्ड काउंसिल जब करवाया था तो श्रीलंका में उन्होंने जो रिलीजियस मिशनरीज थे जिसमें उनकी बेटा और बेटी भी गए थे, तो ये लोग अशोका के टाइम पे ही जो जैन बुद्धिज्म है वो श्रीलंका पहुंचता है, और वहां पे ये लोग बोधि ट्री का, जो बोधगया वाला बोधि ट्री है उसका एक ब्रांच सप्लांट करते हैं, और उसी का जो ये ब्रांच है वो सारनाथ में भी हमें मिलता है। तो अनुराधापुर मतलब श्रीलंका वाला जो बोधि ट्री का ब्रांच है उससे ये वाला बोधि ट्री, उसी का ब्रांच जो है वो सारनाथ में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सारनाथ इम्पोर्टेंट है अशोका पिलर के लिए जिसका नाम है लॉयन कैपिटल। ये वही लॉयन कैपिटल है विच इज आर नेशनल एम्बलम। सो नेशनल एम्बलम जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कैसा है, जिसमें चार लॉयन है एंड दे आर फेसिंग ऑल दी फोर डायरेक्शंस। तो ये इम्पोर्टेंट है, और जो जो ये लाइन कैपिटल है इसका जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कैसा है, एक पिलर है जो कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बेस है विच इज कॉल्ड अबेकस। हम इसको डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। सो विच इज कॉल्ड अबेकस, अबेकस मतलब देयर इज अ बेस, और इस बेस में कुछ अलग कुछ और चार जानवरों की आकृतियां हैं या पिक्चर्स है, दैट इज वन हॉर्स, वन बुल, वन लायन एंड एन एलिफेंट, और इन सभी जानवरों के बीच में एक चक्र है, दैट इज द चक्र विच इज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये जो पूरा जो पिलर है वो पिलर किसको सिग्निफाई करता है, वो पिलर धर्मचक्र परिवर्तन को सिग्निफाई करता है, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। सो इट सिग्निफाइज धर्मचक्र परिवर्तन इवेंट, और उस बेस के ऊपर जो रोरिंग लॉयन है, जो नेशनल एम्बलम वाला जो लॉयन हम देखते हैं जिसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो उसको प्लांट किया गया है। तो ये फेमस है क्योंकि ये सारनाथ में मिलता है। तो सारनाथ इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइट्स हैं और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर है बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।